यहाँ पे बिड लिस्ट ऑफ, यहाँ से आप टेंडर सर्च कर सकते हो। पहले थोड़ा वर्जन अलग था, वर्जन कैसा था, यहाँ पे देखो आ रहा है ओल्डर वर्जन, है ना। यहाँ पे ऑनगोइंग बिड्स, एडवांस सर्च वगैरह, ऐसा ऑप्शंस पहले मिलते थे, ये पहले का है। अभी ये थोड़ा अपडेट कर दिया गया, इसको न्यूअर वर्जन में आ गया, ये थोड़ा अपडेट किया गया। क्या, तो इसमें थोड़ा सा सर्च को इजी बना दिया। पहले जैसे आपको ऑनगोइंग बिड्स देखना है तो आप यहाँ पे टिक कर दो, तो आपको जो भी ऑनगोइंग बिड्स है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो बिड स्टार्ट डेट के साथ, एंड डेट के साथ, जैसा आपको सॉर्टिंग करना है आप सॉर्टिंग भी कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको टेंडर दिखना चालू हो जाएगा। जैसे बिड मुझे इन डेट, जो बिड इंड हो रहा है वो पहले दिखाओ, टेंडर उसके अकॉर्डिंगली दिखना चालू हो गया। लेटेस्ट फर्स्ट ओल्डेस्ट फर्स्ट, तो ये देखो इंड 16/16/9 को ये टेंडर, मतलब आज जो टेंडर एक्सपायर हो रहा है वो सबसे पहला दिखना चालू हो गया 9 बजे। तो आप इस तरीके से यहाँ पे सॉर्ट करके देख सकते हो, ये हो गया पहला ऑनगोइंग। यहाँ पे सभी टेंडर दिखेंगे। टोटल टेंडर कितने टाइप के होते हैं? प्रोडक्ट सर्विसेज बंच बिड, प्रोडक्ट का सर्विसेज का बंच बिड, बिड टू आरए रिवर्स ऑक्शन बिड के बाद, और कस्टम बिड, प्रोडक्ट का कस्टम बिड सर्विसेज का, और बीओक्यू बिड। इतने टाइप के बिड होते हैं, सभी बिड्स आपको यहाँ पे दिखेंगे ऑनगोइंग, जो लाइव है, खत्म नहीं हो गया, वो आपको यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। एंड बिड आरए स्टेटस, यहाँ पे क्या दिखेगा, अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है टेंडर, आपको कौन सा टेंडर दिखेंगे, जो टेंडर खत्म हो चुका है, डेट उसका एक्सपायर हो चुका है, वो टेंडर आपको दिखेगा। टेंडर एंड हो चुका है, देखो 16/9 को ये टेंडर अभी खत्म हुआ 8 बजे, यहाँ पर भी आप सॉर्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ये टेंडर अभी खत्म हुआ तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका इवोल्यूशन नहीं हुआ, मतलब ये टेंडर अभी तक खुला नहीं है, तो ऐसे आप देख सकते हो। यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा जो टेंडर है, ये तो अभी इवोल्यूशन नहीं हुआ, ये भी अभी सब नॉट इवोल्यूटेड हो रहा है, 69 आज ही ये सब टेंडर एक्सपायर हुआ, देखो 69 का ये सब टेंडर 69 का है, और ये टेंडर अभी तक खुला नहीं है। दो पेज ही दे रहा है, कितना टेंडर है, एक दिन में कितना टेंडर एक्सपायर हो रहा है, तो अभी तक 69 का ही है, सुबह 7 बजे का टाइमिंग आ गया है, अभी ज्यादा और नहीं रहेगा, 4-5 पेज सुबह 6 बजे का आ गया। तीन का ही है सुबह 6 बजे अरे आपने कभी गौर किया कि सुबह 6 बजे का और 5 बजे का टेंडर ज्यादा क्यों दिख रहा है, कभी सोचा है सुबह 5 बजे का 6 बजे का टेंडर ज्यादा क्यों दिख रहा है? क्योंकि लोग रात को टेंडर नहीं देखते, और टेंडर कौन सा पहला दिखता है, जो एक्सपायर अभी हो रहा है, तो कोई लॉगिन किया तो दिख जाएगा, इसलिए ये सुबह का टेंडर सबसे ज्यादा रहता है, टेंडर आपको मिलता नहीं है अब जल्दी अवेलेबल। और यहाँ पे सब ज्यादातर बीओक्यू बिड और कस्टम बिड ही मिलेगा, मैक्सिमम बिड देखो बीओक्यू बिड और कस्टम बिड ही मिलेगा। पुराना, चलो मैं एकदम पुराना देखिए, इसको ये देखो ये सब टेंडर खत्म हो चुका है, इनवैलिड डेट आ रहा है, इसका बिड का रिजल्ट आप देख सकते हो, ये सब बिड अवार्ड हो चुका है, तब इसका रिजल्ट वगैरह देख सकते हो, है ना। तो ये बिड जो खत्म हो गया, ऑनगोइंग में जो अभी चालू है ऑल बिड्स, यदि आपको खाली प्रोडक्ट ऑनगोइंग में खाली प्रोडक्ट का बिड देखना है तो आप खाली प्रोडक्ट पे टिक कर दो, यहाँ पे सिर्फ आपको प्रोडक्ट का टेंडर दिखना चालू हो जाएगा। सिर्फ सर्विसेज का देखना है, सिर्फ सर्विसेज का टेंडर देख सकते हो, आपको सिर्फ ऑक्शन रिवर्स बिड के बाद जो ऑक्शन में हुआ है उसका टेंडर देखना है तो वो देख सकते हो, कस्टम बिड देखना है तो कस्टम बिड देख सकते हो, और बीओक्यू बिड देखना है तो आप यहाँ से बीओक्यू बिड देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको अलग अलग फिल्टर दे दिया, बिड कोई इन डेट मतलब कभी से कभी डेट का चाहिए तो आप तब भी देख सकते हो, मुझे सिर्फ 17 का ही टेंडर दिखाओ, सिर्फ 17 कल का टेंडर बीओक्यू में सिर्फ 17 का दिखाओ तो 17 का ही वो मुझे खाली टेंडर दिखा देगा। तो देखो खाली 17 का टेंडर दिखा देगा, जो टेंडर
एंड हो रहा है, कल के डेट में खत्म हो रहा है, और बीओक्यू बिड, सिर्फ बीओक्यू बिड दिखा रहा है, ऑल बिड करेंगे तो सभी बिड दिखेगा। तो ये थोड़े फिल्टर्स को बदल दिया गया इसमें, पर इसमें थोड़े और चेंज करनी चाहिए था, जिसमें इसमें जैसे कि लोकेशन बेस्ड नहीं है, हमको कोई लोकेशन का टेंडर देखना है, जो अभी ये नए वर्जन में फिलहाल नहीं है, इसमें सिर्फ ये चीज को बहुत अच्छे तरीके से फिल्टर किया है। डिपार्टमेंट वाइज फिल्टर नहीं कर सकते, प्रोडक्ट के कैटेगरी वाइज फिल्टर नहीं कर सकते, मुझे सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर का ही टेंडर देखना है तो मैं नहीं देख सकता, ये सब चीजें अभी इसमें नए वर्जन में नहीं आया है। और साथ में हाँ, यहाँ पे आप जरूर थोड़ा सा देख सकते हो, जैसे मुझे सिर्फ बोल रहा हूँ माउस का टेंडर बताओ, यहाँ पर भी बीओक्यू बिड में माउस बोल के लिखा हुआ है, वो टेंडर मुझे वो दिखा देगा, ये सब टेंडर में माउस बोल के लिखा हुआ है। तो ऐसे भी आप कंटेंट से सर्च कर सकते हो, पर ओल्डर वर्जन में इससे थोड़ा सा और चीजें थी, क्या था वो भी देख लो, यहाँ पे बिड नंबर से सर्च कर सकते हैं, वो वहां पर भी पॉसिबल है, कैटेगरी वाइज देख सकते हो प्रोडक्ट का, कोई भी सर्विसेज का, तो कैटेगरी वाइज भी आप फिल्टर लगा सकते हो, जैसे मुझे डेस्कटॉप कंप्यूटर का दिखा दो तो डेस्कटॉप कंप्यूटर डाल देंगे, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर का यहाँ कैप्चा डाल दो, यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो भी टेंडर लाइव है वो आपको दिखा देगा। मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन वाइज देख सकते हो, डिपार्टमेंट वाइज, जैसे मुझे स्टेट गवर्नमेंट का देखना है टेंडर, स्टेट गवर्नमेंट का देख सकता हूँ, मुझे महाराष्ट्र का दिखा दो, महाराष्ट्र इसके अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो भी डिपार्टमेंट है वो दिख जाएगा मुझे, इसके अंदर जिला परिषद का देखना है, कौन सा जिला परिषद, नासिक जिला परिषद, मुझे नासिक जिला परिषद में जो भी टेंडर लाइव है वो दिखा देगा, ये पॉसिबल है। दूसरा ये डिपार्टमेंट वाइज हो गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट का देखना है तो मिनिस्ट्री वाइज, यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट दिखेगा। लोकेशन वाइज देखना है तो लोकेशन वाइज देख सकते हैं, जो मुझे कहीं पर एक पर्टिकुलर लोकेशन का दिखाऊं तो लोकेशन महाराष्ट्र का दिखा दो, महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ पुणे का टेंडर दिखा, तभी पुणे का टेंडर दिखा देगा मुझे, पुणे का 16-16 से लेके 21 को जो खत्म हो रहा है वो दिखा, या 16 से बोल रहा हूँ 17 का, आज और कल में जो लेट एक्सपायर हो रहा है टेंडर वो दिखा दो, तो वही टेंडर वो मुझे दिखा देगा। ये इनवैलिड का इसका एक बड़ा प्रॉब्लम, सेट महाराष्ट्र दो ही दिन का, आज का तो खत्म ही हो गया, कल का डेट का, CUNCU सर्च जो टेंडर खत्म हो रहा है सिर्फ पुणे लोकेशन पे। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट भी रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का भी है, ये रूरल डेवलपमेंट का है, पंचायत राज समिति का, डिफेंस का भी है, पर सिर्फ पुणे का, पुणे लोकेशन का टेंडर है। यहाँ पे बीड का भी है, प्रोडक्ट का भी है, सर्विसेज भी है, कस्टम बीड भी है, बीओक्यू बीड भी है, सभी बीड दिखेगा, बट पुणे लोकेशन में जो टेंडर कल खत्म हो रहा है, और यहाँ पे सब कैटेगरी का टेंडर, कोई ऐसा कैटेगरी जो भी पुणे लोकेशन में टेंडर है वो आपको सब दिखाता है। यहाँ पे एक बड़ा मुश्किल और एक है, देखो दोनों फिल्टर मिलके भी अपना भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, अभी मुझे पुणे में सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर का टेंडर देखना है तो नहीं देख सकते, वो फैसिलिटी नहीं है। पुणे के अंदर मुझे बीओक्यू बिड में डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो भी नहीं देख सकते, वहां पे हम कोई फिल्टर नहीं ला सकते, मतलब यहाँ पर अभी भी एक फिल्टर के साथ दूसरा फिल्टर मर्ज नहीं हो रहा है, ये अभी तक इस पे जेम को और अपडेट आना बाकी, तो जब अपडेट आएगा तो इसका और भी आगे वीडियो बनाऊंगा, तो क्लास खत्म भी हो गया तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं डाल देता हूँ ये सब वीडियो जो भी अपडेट आते हैं, तो वहां से आपको मिल जाएगा। फिलहाल ये ओल्डर वर्जन में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, कुछ नियर वर्जन में जो नया वर्जन है उसमें कुछ नए फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे आप बीओक्यू बिड, प्रोडक्ट बिड, सर्विस बिड के अकॉर्डिंगली सर्च कर सकते हो, जो नए पुराने वर्जन में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था, यहाँ लोकेशन बेस अवेलेबल नहीं है, वहाँ लोकेशन बेस अवेलेबल है, हाँ बट आप इसमें लोकेशन का फिल्टर आप जरूर लगा सकते हो, जैसे मुझे बीओक्यू बिड दिखा दो मान लो और पुणे का दिखा दो, यहाँ पे हम लोग ये जरूर सर्च कर सकते, यहाँ पे क्या अच्छा किया तो आपको अपने मतलब पुणे का टेंडर मिल सकता, ये फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। बोलिए
कुछ डाउट्स है टेंडर को सर्च करने में तो बताइए। ये टेंडर सर्च करने का तरीका है। और एक दिखाता हूं ऑनगोइंग बिड्स, यहां पे जाके ऑनगोइंग बिड्स में जाओ तो यहां पे आपका कैटेगरी वाइज फिल्टर हो जाएगा। जैसे प्रोडक्ट का टेंडर यहां दिखेगा, सर्विसेज का टेंडर यहां दिखेगा, सिंगल प्रोडक्ट का टेंडर यहां, सिंगल सर्विसेज का यहां, बंच बिड बंच प्रोडक्ट का यहां, बंच सर्विसेज का यहां, कोई टेंडर बिड से ऑक्शन में चला गया तो यहां, कस्टम बिड प्रोडक्ट का यहां, कस्टम बिड सर्विसेज का सर्विसेज, बंच सर्विसेज रहा तो यहां पे, और बीओक्यू बिड रहा तो सिंगल बीओक्यू बिड रहा तो यहां पे, और बंच बीओक्यू बिड रहा तो ये आपको टेंडर देखने को मिलेगा। ये आपको यहां पे ये सभी चीजें, ये सभी तरीके से आप टेंडर सर्च कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट्स है तो बताओ। हाँ प्रीति मैडम। सर मुझे बंच बिड और बिड आर में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है इनमें? बंच बिड में मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट रहा तो बंच, जैसे पेन का टेंडर है और पेंसिल का टेंडर है तो बंच होगा। सिंगल में खाली पेन का टेंडर है। अभी पेन में भी उनको पेन में मान लीजिए बॉल पेन चाहिए 0.5 का चाहिए तो सिर्फ प्रोडक्ट का, उसको 0.5 का 100 क्वांटिटी चाहिए और 0.7 का 200 क्वांटिटी चाहिए तो वो बंच बिड बनेगा। ओके। यहाँ पे देखो सब सिंगल प्रोडक्ट है, और सिंगल हो तो वो बिट में डल जाते हैं प्रोडक्ट है। हाँ, यहाँ पे दिखेगा। ओके। और एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो तो यहाँ देखो, यहाँ पे कोमा है, ये एक प्रोडक्ट चाहिए और एक ये प्रोडक्ट चाहिए, एक से ज्यादा। फ्लेक्स बैनर चाहिए, 10x8 का चाहिए, 8x7 का चाहिए, तो ये आपका फ्लेक्स बैनर ही चाहिए, पहले एक 10x8 का चाहिए और 8x7 का चाहिए प्लस और बाकी की चीजें भी चाहिए, तो ये बंच बिड हो गया, है ना? ओके थैंक यू। अभी टेंडर हम लोग पढ़ के दिखाऊंगा आप, तो टेंडर पढ़ते कैसे, क्योंकि विदाउट पढ़ के आप टेंडर भर नहीं सकते, और डिफरेंस समझाऊंगा जो टेंडर कैसे पीडीएफ से आपको पता चलेगा, जो कस्टम बिड क्या है, प्रोडक्ट बिड क्या है, बंच बिड कब कब आपको पता चलेगा, ये सभी चीजें में डिफरेंस कैसा रहता है ये भी आपको अभी बता दो।